देखें उससे तो खरीदी 50% पे उसे बेच दी, उसका हक है। मैंने जी आपसे एक चीज खरीद लिया, मेरा है, मैं रखूंगा बेचूं उसको। नहीं तो सर ये भी है ना, घड़ी का तो मामला रहने ही दे, जब उनके पास तो क्या कमी है। डेली पंजाब की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी न्यू वीडियो से बाखबर रहने के लिए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम, मुझे बताएं खान साहब जख्मी हैं, आज खान साहब क्या सरप्राइज देने जा रहे हैं? जो भी सरप्राइज देंगे हम उनके साथ हैं। क्यों, ये किसकी क्या वजह है? पूरा पाकिस्तान जो है सिर्फ खान साहब जब भी कॉल करते हैं आवाम सड़कों पे आ जाती है। इसलिए कि उन जैसा अभी कोई दूसरा है ही नहीं, वो बहादुर दिलेर और इस हालत में भी वो आ रहे हैं हमारे लिए। लोग तो कहते हैं वो अपने अपने आप के लिए आ रहे हैं, अपनी गरीब बचाने के लिए आ रहे हैं। नहीं, घड़ी का तो मामला रहने ही दे, जब उनके पास तो क्या कमी है। अल्लाह ने इतनी इज्जत दे दी तो जब इज्जत मिलती है तो फिर पैसा और घड़ियां बेकार है। वो लोग नहीं सोचते ना, जिनको इज्जत नहीं मिलती वो ये चीज़ें सोचते हैं, हमें तो इज्जत नहीं मिली, अभी शख्स को इज्जत मिल गई तो हमने इसके ऊपर कुछ करना है। पिछले 3-4 साल से उन्होंने सिर्फ खान साहब के ऊपर जो चीज़ ढूंढी वो घड़ी है, अब 8 माह हो गए, घड़ी के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है और मिलेगा भी कुछ नहीं उनको। घड़ी भी नहीं है उसमें, तो घड़ी भी नहीं है एक्चुअली। वो जान बुझी जो बंदे के एक साइन के 1.5-2 करोड़ रुपये मिलते हो बैट पे कर दे शर्ट पे, वो घड़ी चुराएगा? और इसे देखें उससे तो खरीदी 50% पे उसे बेच दी, उसका हक है। मैंने जी आपसे एक चीज़ खरीद लिया, मेरा है, मैं रखूँगा बेचूँ उसको। नहीं तो सर ये भी है ना, गिफ्ट लेके किसी से बेचना वो भी तो फिर लेके आप ले सकते हो। जो कुछ जरदारी ने गाड़ियाँ ली हैं 4-4 करोड़ की 40 लाख रुपये में, और जो नवाज शरीफ ने किया है और वो जो उसने किया शौकत अजीज़ तो सब कौन करेगा ये? मतलब वो देखे ना, वो तो हद कर दी है, तो उसे गाड़ी ठीक है ली थी उसने, अगर बेच दी कोई बात नहीं, उसमें कोई मसला नहीं है। सर चले समझ आती है, ये वो तोहफा है, ये वो तोहफा। मैम सिर्फ एक मिनट यहीं पर मैम, ये वो तोहफा है, कहते हैं इतना बड़ा तोहफा खान साहब ने बेचा है, अगर खान साहब अपने पास रखता तो उसे सालाना पता नहीं कितना टैक्स पे करना पड़ सकता था, इस पर आप क्या कहेंगे? और दूसरा सवाल हमारा ये है, जो अब नई आर्मी चीफ की होने जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? हो चुकी है, नहीं अभी कंफर्म तो आप नहीं हुआ ना? उम्मीदें तो अच्छी हैं उनके साथ है। जी होनी भी चाहिए, फौज हमारी है, आर्मी चीफ भी हमारा है, कोई भी हमसे कोई मसला नहीं, खान साहब ने साफ कह कोई मसला नहीं है। जो लोग डर्टी हैरी टाइप के लोग जो कि अपने अपने लिमिट से बाहर जाते हैं ना, उठवाते हैं लोग मारते हैं, उसके हम खिलाफ हैं। पाकिस्तान इमाम को आखिर में मैसेज क्या देंगे? पाकिस्तान को ये मैसेज देंगे अवाम को कि हक के साथ हुसैनियत और यजीदियत का फ़र्क बता दो बस, जो हुसैनी है वो हक पे डटे रहते हैं, सच के साथ हैं वो, और उसी के साथ अवाम भी उसी की होती है, जीत भी उसी की होती है जो सच पे और हक पे डटा हुआ। थैंक यू मैम। यहाँ पे और लोग हैं उनसे भी बात करते हैं, वो इसमें क्या कहेंगे इधर।